21 नंबर देखते हैं। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 2π सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। अच्छा चलिए देखते हैं, चलिए इसके लिए देखते हैं। इस ए भी हम लोग क्वेश्चन ऐसा देखे हुए थे। देखिए 3 sin² x माइनस का 7 sin x प्लस 2 = -0 दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका फैक्टर करते हैं। 3 sin² x यहाँ पर माइनस का इसे लिख देते हैं 3 sin x माइनस का 7 है ना यहाँ पे, तो माइनस का 6 sin x माइनस का sin x कर लेते हैं और प्लस 2 = 0। यहाँ पे कॉमन होगा 3 sin x, तो यहाँ आ जाएगा आपका sin x माइनस का 2 और फिर यहाँ माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, 1 कॉमन कर लेते हैं, तो sin x माइनस 2 दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लेते हैं sin x माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा 3 sin x माइनस 1 = -0। ये ना हो जाएगा जी, तो यहाँ से sin x माइनस 2 = 0 और यहाँ 3 sin x माइनस 1 = 0। तो यहाँ से sin x इक्वल टू में 2 जो कि पॉसिबल नहीं है, माइनस 1 टू 1 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, और यहाँ sin x इक्वल टू में 1/3 जो कि ये माइनस 1 टू 1 के बीच में है। तो अब आप इसे देखो यहाँ पर, तो अगर हम लोग इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर 0 से π में चलेंगे 0 से π में, तो 0 से π में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होगा साइन, तो यहाँ पे इसके दो रूट्स मिल जाएंगे, दो सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा फिर उसके बाद अगर हम लोग π से 2π में जाएंगे तो इन दोनों में निगेटिव होता है लेकिन यहाँ पॉजिटिव दिया है 1/3, तो यहाँ हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 2π के बाद 2π से 3π में जाएंगे तो यहाँ पे भी दो सोल्यूशन हमें मिल जाएंगे। फिर आपका यहाँ इसके बाद 3π से 4π में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, निगेटिव में आ जाना, ये पॉजिटिव दिया है। और फिर आप 4π से 5π तक करने जाना है तो इसमें 2 सोल्यूशन, टोटल 6 सोल्यूशन यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22।